आप सभी को आज विशेष क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं समझती हूँ आप सभी बहुत बहुत खुशी से क्रिसमस मनाने के लिए तैयारियाँ करते होंगे। क्रिसमस विशेष हमको यही याद दिलाता है कि अभी यहाँ समय ऐसा चल रहा है जो नए साल की शुरुआत और पुरानी साल की समाप्ति। तो क्रिसमस फादर इस बारी यही संदेश लेके आएंगे कि हम अपने जीवन में जो कुछ पुरानी बातें हैं पुराने साल के साथ साथ हम छोड़ दें और अपने आप से ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम हर घड़ी हर सेकंड नया करते चले जाएंगे। तो इसलिए इस क्रिसमस में विशेष आप क्रिसमस ट्री के नीचे जो गिफ्ट रखेंगे वो गिफ्ट यही होना चाहिए जो पुरानी बातें पुराना संस्कार है उसको एक पॉकेट बना करके क्रिसमस फादर को दे देवे। बाकी जो अभी नया साल 2020 आने वाला है वो भी हमको बहुत विशेष संदेश दे रहा है, क्योंकि इस साल में मैं समझती हूँ हम सबके सामने बहुत ही चैलेंजेस परीक्षा के रूप में परिस्थिति के रूप में आएंगे, परंतु हम दो बातें सदैव अपने साथ याद रखें। एक तो हम साक्षी अवस्था में रहे और एकदम न्यारा और प्यारा होकर के हर स्थिति को हर परिस्थिति को देखें, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो शक्तियाँ है दैवी गुण है उसको हम इमर्ज करके परिस्थिति में हम पार जा सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी बातें हम नए साल में देखें उसको ऐसे समझे कि ये हमको पाठ पढ़ाने के लिए हमारे सामने आए हैं, तो हम पाठ सीख जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इस साल के लिए स्लोगन यही याद रखें, बीती सो बीती, जो बीत गया वो खत्म हो गया। अभी हमको हर समय वर्तमान समय प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और जो कुछ बीत गई बात उसको फुल स्टॉप लगा देना है। तो ऐसे अपने आप को शक्तिशाली बना करके हम हर दिन सवेरे उठते ही ये नया दिन है नया घड़ी है नई बात है तो एकदम नवीनता अपने जीवन में लाते रहेंगे, तो सदा उमंग उत्साह भरा रहेगा। और हमारे अंदर अगर उमंग उत्साह है तो जो भी हमारे सामने आएंगे संपर्क में आएंगे उसको भी वही हम उमंग उत्साह दे सकते हैं। तो ये सारा साल आप उमंग उत्साह के पंखों में उड़ते हुए अपनी संपूर्णता संपन्नता की स्थिति को प्राप्त करके बाबा के साथ घर जाने की तैयारी में व्यस्त रहे। तो ऐसे शुभ कामना के साथ साथ हम आप सभी को फिर से नए साल का नए युग का बहुत 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 मुबारक दे रहे हैं। हैप्पी हॉलीडेज। ओम शांति।